इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआर के 13 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। इसमें डीपीएस नोएडा भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा के स्कूल को धमकी दी गई है, स्कूलों को ईमेल के जरिए बम रखने की सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट भी इस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये ईमेल किसने भेजा। बम होने की धमकी पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एक ही पैटर्न पर ईमेल भेजे गए, यानी कि ये संभव है कि एक ही व्यक्ति ने या एक ही गिरोह ने ये सारे मेल्स भेजे हैं और धमकाया गया है। धमकी के मेल की दिल्ली पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, ये वो स्कूल जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलग अलग स्कूलों में मेल के जरिए धमकी दी गई है और वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि कहीं से भी बम होने की सूचना नहीं मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ईमेल को भेजने के पीछे मंशा क्या रही होगी, क्या वाकई इन स्कूलों में बम रखा गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया है और वहां पर जांच लगातार जारी है। तो डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, संस्कृत स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मैरी, मयूर विहार फेज वन में बम रखने की सूचना है। एमईटी स्कूल साकेत में भी ये धमकी भरा मेल गया है। डीएवी वसंत कुंज में भी धमकी भरा ईमेल पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि सारे का पैटर्न एक ही है, जो मेल पहुंचे हुए वो एक ही पैटर्न में पहुंचे हुए। ऐसे में सबसे पहले कोशिश यही की जा रही है कि ये पता लगा लिया जाए कि आखिर ये मेल किसने भेजा है। ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें दो अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर दिल्ली के उन स्कूलों से आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमकी भरा मेल पहुंचा है और ये कहा गया है कि आपके स्कूल में बम रखा हुआ है। अब ये मेल किसने भेजा, इसके पीछे वजह क्या है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है स्कूल को, क्या बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें लेकर जांच के बाद एक एक कर खुलासा संभव है। और राजधानी जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एसएमएस अस्पताल में ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया गया। आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी ड्रग स्टोर का निरीक्षण कर रही हैं। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया जा रहा है, क्या दवाएं मरीजों को उपलब्ध रहती हैं, क्या एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी दी जा रही हैं, इन तमाम बातों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एसएमएस अस्पताल से ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया जा रहा है। दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जांच की जा रही है। आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी इस वक्त निरीक्षण कर रही हैं और इस दौरान उनके साथ जो अस्पताल के अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आए दिन दवाइयों का टोटा लगा रहता है, इसे लेकर कई कंप्लेंट्स भी पहुंचते हैं। मरीज शिकायत भी करते हैं कि उन्हें ठीक समय पर दवाइयां नहीं मिल रही और इसी को लेकर यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब देखना है कि निरीक्षण के बाद क्या कुछ कमियां भी निकलती हैं, नेहा गिरी कमियों को लेकर क्या दिशा निर्देश देती हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निरीक्षण के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं अस्पताल प्रबंधन को, इसे लेकर भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप जयपुर से देख पा रहे हैं, एसएमएस अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से जहां पर ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया जा रहा है। ड्रग स्टोर में क्या कोई दवाइयों की कमी है, किस तरीके से वहां पर मैनेजमेंट किया जा रहा है, मरीजों को कैसे वहां पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयां तो मरीजों को नहीं दी जा रही, इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी निरीक्षण कर रही हैं, जानकारी इकट्ठा कर रही हैं और साथ ही साथ अगर कोई कमियां मिलती हैं तो उन्हें लेकर भी निश्चित तौर पर उनकी ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि वहां पर इस वक्त निरीक्षण चल रहा है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त निरीक्षण चल रहा है ओपीडी का, ड्रग स्टोर का, जो जो ड्रग डिजिटल केंद्र है उनका जो है वो नेहा गिरी द्वारा जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि मरीजों को तमाम दवाएं जो राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है वो बराबर मात्रा में मिल रही है या नहीं, या कहीं दवाओं की अनुपलब्धता तो नहीं है। तमाम चीजों का जायजा जो है वो
उनके द्वारा लिया जा रहा है, साथ मरीजों से भी फीडबैक ले रही हैं कि हमने हमारे किसी प्रकार कोई बिल्कुल सौरभ अब देखना है कि क्या कोई कमियां मिलती हैं, मरीजों को प्रॉपर वे में दवाइयां मिल सके इसके लिए ये कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।